एग्जाम सीरीज में यूनिट थर्ड चल रही थी और उसी में लास्ट जो टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, इसमें एक स्पेशल केस आ सकता है, एक प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। हमने फाइंड आउट किया था इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप एंड आर इज इट्स रेडियस, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। अगर सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ना पूछ के मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट लूप बाय आर्क मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू एंगल मेड बाय एल लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज वैल्यू ऑफ एंगल शुड बी इन रेडियन। इस फॉर्म में अगर हम पुट कर देंगे तो वो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देगा। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 1 एंड एंगल मेड बाय द आर्क इज इक्वल टू 60 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ये ध्यान रखें एंगल जो डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय r इनटू एंगल इन रेडियन। तो यहां से एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय r इनटू एंगल की वैल्यू पाई बाय 3, यहां से मैंने पाई से पाई कैंसिल कर दिया और ये मेरे पास आ गया म्यू नॉट i अपॉन 12 r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल due to an arc of length L which makes an angle pi by 3 radian at its center। तो ये भी आप 2 marks के लिए एक concept है, numerical भी बना सकता है, MCQ में भी 1 mark के लिए question बन सकता है। Important concept, easy concept, formula याद रखना है b is equal to mu not upon 4 pi i by r into angle in radian। Next टॉपिक हमने लिया 5 मार्क्स के लिए इस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, यानी कि सर्कुलर कॉइल है इस तरह से, इसमें आई करंट फ्लो करते हुए, ए इसकी रेडियस और एक्सिस जो है लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, इस एक्सिस के ऊपर बी पॉइंट लिया है जो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। यहाँ पे इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बन सकता है। और वो रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, इसी के एक फॉर्म बदल सकते हैं हम, जहां पे देखिए पाई a स्क्वायर, पाई a स्क्वायर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ दिस करंट लूप। ठीक है, और इस एरिया को मैं n इंटू आई इंटू ए ये क्या कह सकता हूँ, करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल व्हिच मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज गिवन बाय n आई ए। तो ये जो पाई ए स्क्वायर और n इंटू आई इस सारे की जगह मैं रख सकता हूँ, इसी में एक स्पेशल केस किया, स्पेशल केस व्हेन p लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप देन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p on its axis is given as b is equal to mu not 1 4 pi 2 m by x cube। ये हमें कैसे मिला, इसी रिलेशन में जब ये p point axis पे काफी लार्ज दूरी पे है तो x much much greater than a, so a can be neglected, the value of a is 0 in this relation, so we get 2 m by x cube, 2 m by x cube और आगे ये फैक्टर आएगा mu not 1 4 pi, तो ये हो जाएगा उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 5 अंक के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक इस पे 5 अंक के लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइक्लोट्रॉन का, जो पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग 5 मार्क्स के लिए। तो साइक्लोट्रॉन सबसे पहले बताएंगे लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था एंड इट इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए बॉम्बार्डमेंट में काम आता है, ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो और वहां से न्यूक्लियर रिसर्च हम कर सके। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें प्रिंसिपल लिखना, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इस प्रिंसिपल को लिखने में कई बार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं, सही से नहीं लिख पाते, तो मैं एक बार यहां बताना चाहूंगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो प्रिंसिपल है द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू ए सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी बाय applying smaller value of oscillating electric field and perpendicular magnetic field to just cross the same electric field time। ठीक है, to just cross the same electric field time।
जैसा आपको याद आया होगा, इसमें दो डी लेते हैं हम, सर्कुलर डी इवेक्यूएटेड, और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके परपेंडिकुलर, उन डी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ डी के, और डी के अंदर जो अंदर खाली जगह है वहां हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं, डी के अक्रॉस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू द पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इन द बोथ डीज। तो यहां कांसेप्ट रहेगा fc इक्वल टू fm mv स्क्वायर बाय r, मान लिया r रेडियस की वो d है, तो वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मीन वेलोसिटी से m मास का चार्ज पार्टिकल, तो सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, किसने दी फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड bqv। यहां से हम v निकाल सकते हैं उसकी वेलोसिटी, और उस v निकालने के बाद हाफ mv स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन में हम बता देंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। दो इस तरह से पैरेलल वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे हैं, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो सकती है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होते हैं तो उनके बीच फोर्स रिपल्सिव लगती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट यानी एक में जैसे ऊपर की तरफ जा रही है दूसरे नीचे की तरफ आ रहा है करंट, तो वहां फोर्स अट्रैक्टिव नेचर में रहेगी। ये ध्यान रखना है 1 मार्क के लिए, ये भी एक बार पूछा गया है कि जब दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगी, बोथ वायर रिपेल ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एंड व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द बोथ वायर इज अपोजिट देन फोर्स बिटवीन देम विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, और वो फोर्स कितनी आएगी F equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by R, where I1 I2 are the values of current in the both wire and R is the perpendicular distance between these wires. तो ये relation भी important है, और यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, ये जो force आती है, this is the force per unit length of the wire, ठीक है, force per unit length of the wire, तो ये 5 marks के लिए important, तीन topics मैंने बताए हैं, अभी आगे और देखते हैं, तो देखिए आगे यहाँ पे 5 marks के लिए एक topic और है यहाँ, मोइंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मोइंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है, तो जैसा नाम से है इसमें कॉइल मूव करती है, जब करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है जिसके कारण वो रोटेट करती है, और उससे हम अननोन करंट मेजर कर सकते हैं, तो मोइंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक भी आप तैयार कर सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए एमीटर, एमीटर क्या है, इट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू measure the electric current always connected in series, ठीक है, conversion of galvanometer into an ammeter, galvanometer से ammeter कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये 3 marks के लिए, कई बार पूछा है board exam में, आप उठा के पिछले सालों के question paper देख सकते हैं, इसी तरह से 3 marks में दूसरे board में आ गया, एक दो board में ये आया हुआ है, दो board में ये आया हुआ है, voltmeter क्या है, voltmeter high resistance galvanometer है connected in parallel to measure the electric potential, ammeter is low resistance galvanometer connected in series to measure the electric current, so conversion of galvanometer into ammeter or conversion of galvanometer into voltmeter, ye 3 marks ke liye ban sakte hain, inme jo formulae aate hain un pe bhi ek ank ke equation pucha ja sakta hai, jab ammeter banate hain galvanometer se to bataya tha galvanometer ke parallel mein shunt jodte hain, low value resistance hota hai jaise aage likha hua hai, 1 mark ke liye pucha tha ek baar ki what is the shunt, it is the low value resistance which is always connected in parallel with galvanometer or ammeter, to galvanometer se ammeter banate hue galvanometer ke parallel mein wo shunt joda jata hai jo usko extra current se save karta hai, galvanometer ke parallel mein shunt jod ke hum ammeter bana sakte hain, wo shunt ki value kya hai wo nikal ke dikhane ke conversion mein, isi tarah se voltmeter jab banate hain galvanometer ko convert karte hain voltmeter mein, to galvanometer ke sath series mein ek resistance high resistance r jodte hain aur wo conversion ho jata hai voltmeter mein, सेंटर मैंने बता दिया 1 मार्क के लिए कांसेप्ट है। आगे है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है, या कोई करंट कैरिंग लूप है किसी भी शेप में, सर्कुलर लूप है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर की फॉर्म में अगर करंट लूप है तो करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, उसका अपने एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, which is given by m is equal to n i a,
where I is the current, A is the area of cross-section of that loop, and N is the number of turns in that loop. Magnetic field lines, 10th class में भी आती हैं, इसकी basic properties हैं कि दो magnetic field lines कभी नहीं काटती, बाकी कम chance हैं इन topics पे question बनेगा, लेकिन एक बार इनको देख लेंगे, easy topics हैं. आगे 3 mark के लिए torque on bar magnet, और कह सकते हैं torque on a magnetic dipole placed in uniform magnetic field, ठीक है? जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक डायपोल रखें या करंट कैरिंग लूप रखें या बार मैग्नेट रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पे एक टॉर्क लगाता है व्हिच इज गिवन एज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी वेक्टर और इन मैग्नीट्यूड वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. इस फार्मूले पे भी 1 मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बना है. थीटा 90 होगा मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, थीटा 0 या 100 से हुआ तो कोई टॉर्क नहीं लगेगी, ठीक है? इसी तरह से एक या दो अंक के लिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो ये 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके टर्म में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी जगह पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में. वो कौन कौन से 3 होते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप भी उसको बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट. इन पे ये फार्मूले हैं, एच इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा एंड वी इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा. दोनों को डिवाइड किया तो v / h = tangent delta. ये पोल्स पे बता दिया delta 90 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट r के बराबर हो जाएगा. इसी तरह से इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिप की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री ड्यू टू व्हिच वर्टिकल कंपोनेंट बिकम 0. तो एक अंक के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेम द प्लेस वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 0. वर्टिकल कंपोनेंट 0 कहां होगा? एट इक्वेटर. 1 मार्क के लिए कांसेप्ट थे, आप करेंगे. आगे चलते हैं. इसी तरह से 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस. तो एवरी वैल्यू अगर आपके सरफेस में निकाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कम्स आउट टू बी 3.2 10^-5 टेस्ला. तो ये एक अंक के लिए आप याद रखें. इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक यहां पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है? जो टेंजेंट ला पे बेस्ड है, टेंजेंट ला b = h tan थीटा या i = h tan थीटा. इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बार देख लें, आसान टॉपिक है. इसमें दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए हैं, बी और एच. बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. दो मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब मैग्नेटिक डायपोल रखी जाती है, दोनों अपने अपने डायरेक्शन को टॉर्क लगा के रोटेट करवाते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आ जाता है b = h tangent थीटा. ये टेंजेंट ला था, उसी पे बेस्ड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो अननोन करंट को मेजर कर सकता है. 1 मार्क के लिए म्यू आर इज इक्वल 1 प्लस साई एम, दिस इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल एंड साई एम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. एक अंक के लिए रिलेशन याद रखेंगे. इसी तरह से एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है या कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है या कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं है या थर्मेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए आपको इनके एग्जांपल याद करने हैं. एक अंक के लिए एमसीक्यू पूछा जा सकता है. इसी तरह से डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एमसीक्यू बने हैं वो बने हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ऊपर. तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होती है, इसमें ये पॉजिटिव होती है, स्मॉल वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल वैल्यू रहेगी, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो एक से बड़ी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दोनों ही लार्ज वैल्यू पॉजिटिव रखती हैं, एक से काफी बड़ी होती है. वैल्यूज पे एक अंक का क्वेश्चन पूछा गया है. इसी तरह से यूजेज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के यूज क्या क्या है, उन पे जैसे बताया गया परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील की क्यों बनाई गई है, सॉफ्ट आयरन की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाई गई है, ट्रांसफार्मर कोर है वो सॉफ्ट आयरन की क्यों बनाई गई है, उसी पे आता है हिस्टरेसिस क्या है, ठीक है? द फिनोमेनन लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड विद मैग्नेटाइजिंग फोर्स व्हेन ए स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. हिस्टरेसिस कर्व पे भी जैसे ये दिखाया, सॉफ्ट आयरन के लिए जो हिस्टरेसिस कर्व थिन और लॉन्ग होती है तो इसमें एरिया कम आता है तो एनर्जी का लॉस कम होता है. इसी तरह से स्टील के लिए थिक और स्मॉल हिस्टरेसिस कर्व आता है. इसमें दो कंसेप्ट निकले थे, रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है. तो रिटेंटिविटी तो बताई थी जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम जीरो कर देते हैं तब उस स्पेसिमेन में जितनी मैग्नेटाइजेशन बच जाती है वो रिटेंटिविटी ऑफ द स्पेसिमेन कहलाती है, और उस रिटेंटिविटी को
जीरो करने के लिए स्पेसिमेन में मैग्नेटाइजेशन खत्म करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जिससे वो रिटेंटिविटी जीरो हो जाए, मैग्नेटाइजेशन का लॉस हो जाए स्पेसिमेन में, उसके लिए कितना हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे। यहाँ पे कुल मिला के यूनिट कंप्लीट होती है। इसके प्रॉब्लम्स लेता हूं मैं थोड़ी सी। अब पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, कैन देयर बी ए मेटल विच इज नॉन मैग्नेटिक, क्या ऐसा मेटल हो सकता है जो नॉन मैग्नेटिक हो? इसका आंसर रहेगा नो, बिकॉज मेटल इज एटलीस्ट डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक ना हो, फेरोमैग्नेटिक ना हो, लेकिन वो डायमैग्नेटिक तो होगा ही होगा। तीन कैटेगरी इसीलिए की गई है इन मैग्नेटिक मेटेरियल्स की, डाया, पैरा और फेरो। तो वो पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म नहीं शो करता है तो डायमैग्नेटिक मेटेरियल तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर आएगा नो। सेकंड क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल वायर प्लेस, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या एक अंक के लिए एमसीक्यू पूछा गया है। उसमें बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, या उस पार्टिकल का नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से मूव करता हुआ, उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछी गई। तो बिल्कुल वैसा ही सेम वे में इक्वेशन मैंने लिया है, ए हॉरिजॉन्टल वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कैरीज करंट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स यू, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर विल बी, क्या रहेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। क्वेश्चन को समझें, इन मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है आपकी तरफ, यानी कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड और प्लेन ऑफ पेपर आप कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है और वो करंट कैरिंग वायर जो है जिसमें मैग्नेट जिसमें करंट जो है लेफ्ट टू राइट यानी कि आपके लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यानी कि वायर ऐसे रखी गई है जिसमें करंट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाता है एक फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन देते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड है टुवर्ड्स यू, और सेकंड फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऐसे कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर लेफ्ट टू राइट या कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे फोर्स लगेगी। कैन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी यूज्ड टू डिटेक्ट एन एसी इन द सर्किट, क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में एसी करंट को डिटेक्ट करने के लिए या एसी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है? इसका आंसर भी रहेगा नो, वी कैन नॉट यूज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेजर और डिटेक्ट द एसी इन सर्किट, बिकॉज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, ये आप याद रखेंगे, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज फाउंड टू बी जीरो। यूनिट थर्ड कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपके लिए